अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट शमून अब्बासी अपनी सीरीज क्यों में एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे माशरे का अलमिया ये है कि हर इंसान अपने आप को सही समझता है और अपनी कोई गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं होता, जिसकी वजह से आगे जाके काफी कुछ भुगतना पड़ता है। कहते हैं कि शक एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी भी हकीम के पास नहीं है, और शक एक ऐसी दीमक है जो इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, जिसके नतीजे में इंसान कोई भी गलत कदम उठा बैठता है जिसका खमियाजा उसे बाद में भुगतना पड़ता है। क्या बात है, आज आप बहुत चुपचुप हैं। नाश्ता अच्छा नहीं बनाया क्या? ये बताओ, रात को तुम टेलीफोन पे किसके हंस हंस के बातें कर रही थी? कल रात वो मेरी कजन है ना फहीम, उसका फोन आया था। ये वही फहीम है ना जिसके भाई फारूक से तुम्हारी बड़ी गहरी दोस्ती थी? लेकिन फारूक भाई तो अब दुबई में होते हैं। दुबई में होते हैं तो क्या करती तुम उससे शादी? आज तुम भी दुबई में होती। सुनिए तो बात सुनिए, ये नाश्ता। और हमारी आज की कहानी भी शक पर मबनी है। अस्सलाम वालेकुम। आपका पूरा नाम क्या है? जाहिद बेग। जाहिद बेग साहब क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट मुलाजिम। आपकी उम्र कितनी है? तकरीबन 58 साल है। 58 ईयर्स जी। ये बताइए कि आपके घर में कितने मेंबर्स हैं? मैं इस वक्त अकेला हूँ। अकेले जी। आपकी शादी किस उम्र में हुई? 50 से ऊपर था। 50 से ऊपर, तो कोई खास वजह इतने दिनों तक? मेरी कोई घरेलू परेशानियाँ थी, उनको सॉल्व करने में टाइम लगा, क्योंकि घर का बड़ा होने की हैसियत से तमाम जिम्मेदारियाँ मुझ पर आयद थी। आप किस उम्र के लड़के थे? ये उम्र इनकी देखिए, 22-23 साल के बच्चों की क्या उम्र होती है, 24-25 साल की उम्र की क्या होती है? ठीक है, ये वो उम्र होती है कि जो सिर्फ इसी काम के लिए खड़े होते हैं कि किसी की बहू या किसी बेटी को देखें। जरूरी तो नहीं है? नहीं, ये चीजें हैं। ये शायद आपका अपना नजरिया है, क्योंकि आपके साथ ये सारा एक्सपीरियंस हुआ है। मेरे हिसाब से बहुत सारे हम भी जब जवान थे, हम जब मतलब 22-23 साल की उम्र में हम भी गली में जाके खड़े होते, लेकिन ऐसा में हमारा टारगेट ये नहीं होता था। सर, गलियों में आप चुनौती नहीं खड़े होते ना, कोई वजह होगी ना, आपका स्कूल भी जाना होगा, आपका कॉलेज भी जाना होगा, ड्यूटियों पर भी जाना होगा, गली में कोई वक्त होता है ना खड़े होने का, ये आने का, ये जाने का। तो फिर क्या हुआ, आपने कभी उन लड़कों को समझाने की कोशिश की? और अगर कोशिश की तो उनका क्या रिएक्शन रहा? सर, ये होगा, मैं एक बार अपने ऑफिस से छुट्टी करके जब आया, तुम लोग कोई काम धंधा वगैरह नहीं है? रोज आने आते जाते, तुम लोग को यही खड़ा देखता हूँ मैं। तुमसे मतलब क्या, इस इलाके के नाजिम हो तुम? और नहीं तो क्या, और तुम्हें बड़ों से बात करने की तमीज नहीं है? क्यों, गली तुम्हारे बाप की है क्या? हाँ, मेरे बाप की है। तुम्हारे बाप की बदमाशी करता, बदमाशी करते। अरे बेग साहब, आप किन बदमाशों के चक्कर में पड़ गए? इनको समझाते समझाते मैं तो, मेरी उम्र गुजर गई है, आप किन लोगों के चक्कर में पड़ गए? क्या तमाशा लगा क्या भाई? चलो बार कहा है। अरे ये क्या हो गया? ये क्या हुआ आपको? कुछ नहीं हुआ। ये किसने आपकी हालत बना दी? कुछ नहीं हुआ, ये गली के हमारे लड़के हैं जो आप लोग कुत्तों की तरह भौंकते रहते हैं। एक को समझाया तो भौंक पड़ा। मैं जानती हूँ ऐसे लड़कों को, ये शराफत की जबान नहीं समझते। ओहो, कितनों से जान पहचान तुम्हारी? आप बिलावज शक करते हैं मुझ पे। देखो, मुझसे उल्टी सीधी बहस मत करो, समझे? ये चीज मुझे सख्त जहर लगती है। आपका ये ख्याल नहीं कि ये सब चीजें इत्तफाक हो सकती है, या आप समझते हैं ये सब कुछ एक प्लान्ड कोई चीज थी, या मतलब ये कोई इरादी तौर पे सारे काम किए जा रहे थे कि वो तैयार भी होती थी तो फिर वो दरवाजे भी खुलते थे तो फिर वो लड़के आगे खड़े होते थे? सब उनकी तैयारी भी तो मुझे 100% शुभ था, इन लड़कों के खड़े होने भी मुझे शको शबात थे। अब गर्मी के अंदर खिड़कियां दरवाजे खोलना भी एक जिंदगी की जरूरत है जी, एक वक्त की जरूरत है, उसमें खोलना पड़ता है। उन्होंने किया, अब जाहिर है कि जब ये चीजें देखी गई तो मेरे शको शबात बढ़ते जाएगा। क्या शक था आपको? जाहिर है कि मेरी बीवी जवान थी। अच्छा, मैं और रिश्ता, ठीक है। तो आपको ये प्रॉब्लम थी कि शायद आपकी जो वाइफ है वो बेसिकली कुछ यंग लड़कों के साथ उनका आंख मटक कर चले? हो सकता है, तो ये मेरे ध्यान में से कुछ बात थे। ठीक है। अच्छा, जब आपकी सारी बात हुई आपकी वाइफ से तो क्या फिर उनका रिएक्शन रहा? उन्होंने कहा कि जी मैं जाके बात करती हूँ, आपका झगड़ा हुआ, फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन ये हुआ कि मैं जब उनको मैं समझाने लगा, उन्होंने मानने से इनकार कर दिया इस बात से। किसने? बीवी ने भी हमारी। ठीक है, कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप मुझे गलत समझ रहे हैं, ये चीज नहीं है, वो चीज नहीं है। मैंने कहा आप ये गलतफहमी क्यों कर रहे हैं? अच्छा, यानी आपने पूरी तरह ये साबित करने की कोशिश की अपनी बीवी पे कि बेसिकली ये जो लड़के हैं तुम्हारी वजह से? बिल्कुल। ये आपने कह दी बात? ये तो उनका क्या रिएक्शन था? वो कहने के ऐसा कोई ताल्लुक नहीं मेरा,
मैं इनको बिल्कुल नहीं जानती, ये फलाना है, ढिमका है, इसके उनकी बातें। फिर ये शक आपको कहां तक साबित हुआ कि हाँ ऐसी बात है कि नहीं? आप किस जगह पे आके कन्विंस हुए कि ये ऐसा ही है और मेरी बीवी का कैरेक्टर ठीक नहीं है? आपको ये बात कहां लगी? सर ऐसा हुआ कि मैं सुबह सुबह घर से निकला और मैंने अपनी बीवी से कहा कि भाई आप दरवाजे बंद कर लें, मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। मैं इत्तेफाक से अपना पर्स घर भूल गया। इत्तेफाक से? जी हाँ, पर्स मैं घर भूल गया और मैं चला गया। जब मैं ऑफिस गया तो मैंने देखा मेरा पर्स नहीं है। मैं वक्त से पहले अपना पर्स लेने घर आ गया। मुझे पता था कि जब मैं आपसे जाऊंगा तो दरवाजा खुला मिलेगा। आज आदमी जल्दी आ गए, जल्दी बल्कि आज ही तो मैं सही वक्त पर आया हूँ। क्या मतलब आपका? मतलब ये कि मुझे पता था कि ऑफिस जाने के बाद तुम जरूर कोई ना कोई गुल खिलाओगी। आप मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं? इल्जाम नहीं बल्कि मुझे तो यकीन था कि तुम जरूर कुछ ना कुछ करोगी। देखो क्या कर रही है। अरे कोई है? कोई है? बुलाओ अपने आशिक को, मैं भी तो देखूं। आपने छुरी मार के उनको कत्ल कर दिया? नहीं सर, मैंने एक इंसान के लिए किया है, ये बुराई रोकने के लिए किया। एक इंसान का कत्ल, पूरी इंसानियत को आपने कत्ल किया। एक इंसान को कत्ल करके आप कोई और भी तो रास्ता निकाल सकते थे बेग साहब। आप ये भी कर सकते थे कि आप उनके बड़ों में बात करते, आप उस लड़की को तलाक दे देते, आप उस लड़की को छोड़ देते, अपनी जान छुड़ा लेते। अगर वो लड़की बुरी थी तो वो किसी और के घर में वापस चली जाती। अगर उसकी उसके उसके नसीब में यही था कि वो आंख मटक कर करती रहती पूरी जिंदगी करती, उसको मारने की क्या जरूरत थी? बदतमीजी होती आपने पूरी दुनिया का ठेका तो नहीं उठाया? बुराई को रास्ता दीजिएगा, बुराई पे चलने दे। इस तरह तो 10,000 चीज आपने अपने शक के बुनियाद पे उस औरत को बुरा समझा। मुझे ये बताइए कि जब आपने ये सारा कुछ किया तो फिर उसके बाद क्या हुआ? आपने क्या किया? फिर पुलिस आई या क्या हुआ? आपको लोगों ने पकड़ा या क्या किया? नहीं मैं तो ऑफिस चला गया। ऑफिस चले गए? जी। अच्छा मैं ऑफिस चला गया। फिर क्या हुआ? ऑफिस से मुझे टेलीफोन आया, तुम्हारे घर पे कोई केस हो गया, फौरन वापस आओ। पहुंचा तो देखा था वहाँ पुलिस खड़ी। हाँ भाई जाहिर है कहाँ है? अभी यहीं के हैं, शायद आते होंगे काम से। अच्छा किस टाइम में? टाइमिंग का तो मुझे नहीं पता, बस आते ही होंगे। क्या होगा अदीप साहब? क्या बात अदीप साहब, क्या होंगे? आपका नाम? जी मेरा नाम जाहिद बेग है। जिसका कत्ल हुआ मतलब नाम क्या? मेरी बेगम का नाम सोनिया बेग है। अच्छा आपको किसने इतला दिया? इन्होंने मुझे फोन करा कि आप जल्दी से घर पहुँचे। अच्छा आपकी बेगम का कत्ल हो गया, भागा भागा सीधा यहाँ आ गया। हाँ जी साहब आप सुनाएं, आपको कैसे पता पड़ा? असल में मेरे घर में तकरीब थी मिलाद। अच्छा तो मेरी बेगम जो है बेग साहब के घर गई दावत देने के लिए। अच्छा जब उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया वहाँ से कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा बार बार खटखटाया लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई। अच्छा उनको तशवीश हुई, जब उन्होंने गौर किया तो दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा तो वो हिम्मत करके अंदर पहुँची। अच्छा अंदर पहुँची देखती गए हैं कि बेग साहब की बेगम की लाश पड़ी हुई है। फिर उसके बाद ये हुआ कि मेरी बेगम ने मुझे बताया, मैंने हिम्मत करके बेग साहब को फ़ोन किया कि बेग साहब आपके यहाँ ये मसला हो गया, आप जल्दी से आए। आपका किसके ऊपर शक है? मुझे सारा शक इस लड़के पर है। क्या नाम है? ये इससे मैं फटा हुआ था, मैंने कुछ नहीं किया। आपने एक तो कत्ल किया, एक गुनाह ये किया, उसके बाद आपने एक बेगुनाह को उसका कातिल भी बना दिया। बुराई को खत्म करना था ना? आप तो बुराई बढ़ाते चले जा रहे हैं। करके आप कत्ल करके आप समझ रहे हैं बुराई खत्म कर रहे हैं? बुराई खत्म हो? आपके अगर इंसान के हाथ में ये फैसले आ जाए कि एक आम इंसान होकर रोड पे किसी को भी छुरी मार के कह दे कि जी मैंने अच्छा किया और मैंने सही किया, तो फिर कानून क्यों बना हुआ?